सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। सबसे पहले तो जानकारी के लिए बता दूं, आज दो वीडियो अपलोड किया मैंने, तो जिसने भी सुबह वाला वीडियो नहीं देखा जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बात करूं अगर इस वीडियो की, ये वीडियो होने वाला मांगा चैप्टर 1036 का प्रॉपर वाला रिव्यू, तो पहले ही तुम लोग सुन लो, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बिकॉज अभी चैप्टर अनऑफिशियल साइट पे रिलीज हुआ है। जब तक ऑफिशियल ट्रांसलेशन चैप्टर का नहीं आ जाता ऑफिशियल साइट्स पे, जैसे कि सोनन जंप और विज मीडिया पे, एक्सप्लेनेशन नहीं आने वाला। और अगर तुम पूछने वाले हो कि एक्सप्लेनेशन कब आएगा, तो सोमवार को आएगा। बात करूं अगर मैं इस चैप्टर की, तो मुझे अगर कंपेयर करना हो पिछले चैप्टर से, तो ये उससे बढ़िया नहीं है, बट ज्यादा कम भी नहीं है। खैर, इस चैप्टर में किंग हारता है, मुझे कोई हैरानी नहीं होती, बिकॉज पिछले ही चैप्टर में जोरो ने किंग का पंख समेत उसको काटा ना, वही देख के मालूम पड़ गया था किंग नहीं बचने वाला। प्लस जब किंग का फ्लैशबैक दिखता है, वहां हमें मालूम पड़ता है किंग को लगता है काइडो ही जॉय बॉय है, और जिस तरह से काइडो उसकी बातों को सुनकर हंस रहा था, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे भी हंसी आ गई। अब देखो, काइडो को लगता है कि नहीं वो जॉय बॉय है, ये बात हमें ठीक से नहीं मालूम, बट किंग को लगता है काइडो ही जॉय बॉय है। मेरे भाई किंग, माना कि उसने तेरी जान बचाई, बट उसके अलावा उसके अंदर और कौन सी हरकतें हैं जिसे देख के तेरे को उसके अंदर जॉय बॉय नजर आ रहा है? साला पूरा वानो को तो उसने वेपन फैक्ट्री बना दिया। इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं, ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने दो, और अगर उस ट्रांसलेशन में यही सेम चीज रहता है तो भी कोई बात नहीं, जब तक काइडो का पास्ट हमें रिवील नहीं होता कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, भैया जोरो घोस्ट राइडर बनने वाला है, नहीं समझ में आया। भाई वो किंग ऑफ हेल बनेगा, बट उसके लिए उसको एनिमा को पूरी तरह से मास्टर करना पड़ेगा। अब देखो, इसके बाद से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट घटने लगा, क्योंकि पिछले चैप्टर में पूरा फोकस एक फाइट के ऊपर था, जिस वजह से इंटरेस्ट बांध के रखा था, बट इसमें भी फाइट पे फोकस किया है पर अलग अलग फाइट्स पे, जिस वजह से मुझे कुछ फाइट्स में इंटरेस्ट नहीं लगा। जैसे उसप किनिमोन और कीकू को बचाने के लिए फाइट करता है, और वहां पर उसकी हेल्प करने इजो आ जाता है, और इससे बड़ा चुतियाप तो मुझे राइजो वर्सेस फुकरो कुजी का लगा। वो फाइट अगर चैप्टर में नहीं भी रहता क्या फर्क पड़ जाता? कुछ नहीं, पर खामखा चैप्टर को लंबा करना है। एक और चीज, CP0 का ये बंदा बाओहांग के साथ बैठ के वही बात कर रहा था जो चीज साला हमें पहले से मालूम है, तो भी रोपो और ऑल स्टार्स का हारना मीनिंगलेस है जब तक ये दो मॉन्स्टर्स अभी भी खड़े हैं। ये सारी चीजें मुझे इस चैप्टर के मिडिल के एरियाज में अच्छी नहीं लगी, बट उसके अलावा बाकी के फाइट्स मुझे अच्छे लगे। जैसे CP0 के मेंबर्स ने उस नंबर के एक मेंबर प्लस एक्स ड्रैग को हरा दिया, प्लस एपू एक और नंबर के मेंबर के साथ भाग गया, क्योंकि ये साला है कमीना, और CP0 को देख के मालूम पड़ रहा है ये लोग CP9 से कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एक और चीज मुझे अच्छी लगी, ओडा ने जिस तरह से नंबर फुगा के लिए फाइट सेटअप किया, क्योंकि जिस तरह से गेट का गार्ड रोकी सो रहा था, और वहाँ यामाटो फुगा से कहती है रोकी पे हमला करो, यकीन मानो मैं ये फाइट को ज्यादा इंजॉय किया राइजो वर्सेस फुकरोकुजी के फाइट से। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा यामाटो के लिए, बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना आसान नहीं होने वाला, बिकॉज कांजीरो का जो क्रिएट किया हुआ फ्लेम योकाई है उस जगह पे पहुंचने वाला है, तो फायर वर्सेस आइस का फाइट देखने में मजा आएगा। आधे पेज के लिए लिलिन भी दिखती है, जहां पे वो किड और लॉ के साथ फाइट कर रही है। अब देखो, चैप्टर का पेज नंबर 15 मुझे इंटरेस्टिंग लगा, CP0 का मेन टारगेट है निको रॉबिन को जल्द से जल्द पकड़ना और यहां से निकलना, प्लस पूरे पेज के एक छोटे से पैनल ने सभी का ध्यान खींचा, बिकॉज वहां पे सांजी का हालत पता चलता है। सांजी का जो आईब्रो है वो पहले जैसा हो चुका है, मतलब तुम समझ रहे हो, सांजी जब फाइट करेगा तो उसका आईब्रो उल्टा हो जाएगा और फाइट खत्म होगा तो नॉर्मल। मतलब यहाँ ओडा हमें सांजी का एक तरह से दो पर्सनालिटी दिखाने वाले हैं, जहाँ एक तरफ होगा बैडस जर्मा साइबोर्ग, तो दूसरी तरफ होगा लौंडियाबाज कुक। यहाँ मैं तुम सभी को एक जानकारी देना चाहता हूँ, आज से एक महीने पहले मैंने सांजी के पावर को लेके एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर मैंने उसके फ्यूचर पावर के ऊपर बताया था, वहाँ मैंने एक और चीज कही थी, ये सांजी के आईब्रो वाली बातें भी बताई थी। मतलब तुम समझ रहे हो, मेरा प्रेडिक्शन सही निकलने वाला है। वैसे जिसने भी नहीं देखा उनको मैं कहना चाहूंगा, जाके वो वाला वीडियो भी देखना मत भूलना, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोबारा टॉपिक पे आते हैं, इस चैप्टर की खासियत क्या है मालूम? इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। स्टार्टिंग पे ज्ञान दे दिया, अब एंडिंग की बारी है। काइडो वर्सेस लूफी, दोनों की फाइट बहुत जबरदस्त चल रही है, दोनों एक दूसरे को हिट करने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों को
मजा आ रहा है। यार देखो एंड का पार्ट लूफी के फैंस को मजा आएगा, बट यहाँ कुछ सवाल भी उठता है। जैसे लूफी पिछले बार जब रायमे हाकी काइडो से खाया था उठा नहीं था वो, इस बार उसी बैट से खा के उठ जाता है। काइडो का तो हमें पहले से पता है उसका ड्यूरेबिलिटी कितना है, बट लूफी क्या एडवांस कॉन्करर हाकी कोटिंग करके उसका ड्यूरेबिलिटी इतना बढ़ गया कि वो काइडो का हमला सह गया? भाई ये सवाल उठता है। अब ये जो एडवांस सुप्रीम किंग हाकी जब से हमें इंट्रोड्यूस हुआ है ना, साला कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और सॉल्यूशन हमें तभी मिलेगा जब हमें ओडा किसी एक चैप्टर में अच्छे से कॉन्करर हाकी के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब हमें एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी के बारे में बताया गया था तो वहां पर हमें मालूम पड़ा था कि वो किस तरह से काम करता है। और वहीं अगर मैं बात करूं एडवांस आर्मामेंट हाकी की, जिसको रियू भी कहा जाता वानों में, उसके बारे में जब लूफी ट्रेनिंग कर रहा था तो वहां पर हाइग्रो ने ट्रेनिंग देते हुए बताया भी था कि वो किस तरह से काम करता है, जिस वजह से हमारे सारे डाउट क्लियर हो पाए। बट एडवांस सुप्रीम किंग हाकी के साथ बहुत लफड़ा है। आई थिंक हमें एडवांस कॉन्करर हाकी के बारे में एकदम अच्छे से फुल डिटेल में शायद जब सैंक्स एक्शन में दिखेगा, या फिर सैंक्स लूफी से मिलेगा, या फिर सैंक्स कुछ टिप्स वगैरह देगा, तभी हमें मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब हमें सैंक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था तभी से वो कॉन्करर हाकी मार के ही एंट्री करता है। बट ओवरऑल चैप्टर अच्छा था, जिस तरह से चैप्टर स्टार्ट हुआ एंडिंग उससे जबरदस्त था। बट बात करूं मिडिल के पार्ट की तो वो ठीक ठाक था। रेटिंग अगर तुम मांग रहे हो तो मैं 10 में से 8.5 की रेटिंग दूंगा। और तुम्हारा क्या मानना है कमेंट बॉक्स है वहां लिखो। वीडियो पसंद आया लाइक मारो, चैनल पे अगर तुम नए आ गए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। प्लस जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा और तुम देख सकोगे। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, सभी के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे सारे सोशल मीडियाज के बारे में। प्लस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी और, फिलहाल के लिए बाय।